सिद्ध होने के इसमें एसओ शाहजहानपुर को सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ प्राथमिक जांच भी चल रही है। आप देख रही हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। अपराध, राजनीति, मनोरंजन और खेल जगत से जुड़ी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 30 एक्सप्रेस। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पसैया में दबिश के दौरान पुलिस पर घर में तोड़फोड़ करने का ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव कर धरने पर बैठ गए थे। न्यूज 30 एक्सप्रेस पर खबर दिखाए जाने के बाद एसएसपी ने मामले को संज्ञान में लिया और थाना प्रभारी विकास सिंह को सस्पेंड कर दिया। झांसी एसएसपी दिनेश कुमार पी के मुताबिक थाना शाहजहांपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु थाना अध्यक्ष के द्वारा टीम लेकर दबिश दी गई थी। उसी दबिश के दौरान गांव वालों का आरोप था कि थाना अध्यक्ष द्वारा तोड़फोड़ की गई। मौके पर भेजकर एसपी देहात द्वारा घटना की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर 6 घरों में थाना अध्यक्ष उनकी टीम द्वारा कुछ चीजों में तोड़फोड़ पाया गया। आरोप सिद्ध होने पर थाना अध्यक्ष शाहजहांपुर को सस्पेंड करने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। थाना शाहजहांपुर क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने हेतु तो विद्युत विभाग की टीम के द्वारा दबिश दी गई थी। उस दौरान ग्रामीण और विद्युत विभाग के लोगों के बीच में हाथापाई हुई और विद्युत विभाग की कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ किया। इस क्रम में विद्युत विभाग के द्वारा थाना शाहजहांपुर में उपस्थित होकर एक एफआईआर दर्ज कराया गया है। उसी एफआईआर के एवज में मुलजिमानों की गिरफ्तारी हेतु थाना अध्यक्ष के द्वारा टीम लेके मौके पर दबिश दी गई थी। उसी दबिश के दौरान गाँव वालों का एलिगेशन ये है कि थाना अध्यक्ष के द्वारा तोड़फोड़ किया गया है। मौके पर SPRA के द्वारा जांच किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ये तथ्य जो है 6 घरों में SO और उनकी टीम के द्वारा कुछ चीज़ों में तोड़फोड़ करना पाया गया है। आरोप सिद्ध होने के इसमें SO शाहजहांपुर को सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ प्राथमिक जांच भी चल रही है।